ख्वाहिश है, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी दिल्ली फिल्म शुरू हो चुकी है, तो मैं आ चुकी हूँ शादरे पे, मतलब स्ट्रीट फूड को आज हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे वेजिटेरियन ही काफ़ी सारे फूड्स हैं। पहले जो हमारे फूड रहने वाला है वो है बोला सिंह की कचौरी, और इस कचौरी को इन्हें बनाते बनाते 40 साल यहाँ पर हो चुके हैं। बेसिकली जो बोला सिंह की है और इनकी कचौरी है, तो भाई ये काफ़ी फेमस बनवाते हैं। एक कचौरी पत्ता, क्योंकि ये पत्ते में देते हैं, तो ये पत्ता, एक कचौरी पत्ता ट्राई करते हैं, खाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ना, जब आप ये मट्टी कचौरी खाते हो, तो आपको इसके अंदर बनाने का टेस्ट मिलता है, अंगूर का टेस्ट मिलता है, जो स्पाइसी जिन्होंने ऐड कर रखा है उसका टेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे भोला शंकर जी काफ़ी फेमस है। और ये काफ़ी दूर दूर तक इसे खाने के लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ जो टेस्ट है। तो मैंने अभी तक दिल्ली में नहीं खाया है, मतलब इस तरह की चाट तो नहीं खाई है। और जो इन्होंने स्पाइसी डालक है ना, वो आपके मुँह में लास्ट तक बने रहते हैं, मतलब इतने स्पाइसेस आपको लगेंगे, बेसिकली अच्छे वाले स्पाइसेस लगेंगे, क्योंकि इनका जो गरम मसाला जो इन्होंने यूज़ कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और ये चाट ना बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगी, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हेल्दी चाट है और बड़ी अच्छा चाट है। छोलों की सब्जी है जो इन्होंने स्पाइसेस डाल के बना रखी, तो ट्राई करते हैं, लगाते हैं, इसके साथ में खाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इनके छोले, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, छोलों का एक अपना ही अलग टेस्ट है, ज़्यादा आपको स्पाइसेस फील नहीं होते जैसे बहुत से लोग डाल देते हैं। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है और ये कचौरी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। आप कचौरी जो है जो गोलगप्पे की शेप में, इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसका टेस्ट भी, मतलब आई थिंक ये काफ़ी इन्होंने बेसन वगैरह यूज़ कर रखा है इसके अंदर, कि नॉर्मल आटे की कचौरी नहीं है, इसके लिए टेस्ट है ना इन कचौरियों को काफ़ी डिफरेंट बना रहा है, काफ़ी इनहेंस कर रहा है इसके टेस्ट को। कचौरी बढ़िया है और आते जाते लोग ज़रूर खाते हैं कचौरी को, बिकॉज ऑफ जो टेस्ट है वो ऐसा है कि आप नहीं, लेकिन आपको जब आप भेलपुरी खाते हो तो आपको
हरे धनिया का, स्पाइसी मसाले का, आपको चिप्स का, आपको मुरमुरे का, और आपको फाफड़ा जिसे हम कहते हैं गुजराती में, तो आपको उसका टेस्ट मिलेगा। बेहतरीन टेस्ट के साथ में ये भेलपुरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी क्रंची है। एक ही प्लेट में आपको इतने सारे फ्लेवर मिल जाएंगे जिसकी वजह से इसे भेलपुरी कहा जाता है। बेसिकली काफ़ी नॉर्मल भेल के साथ इन्होंने मसाला डाल रखे हैं, टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा गर्म आ रहा है। तो ये भेलपुरी बना रहे हैं, उनका नाम है अजय जी, तो याद रखें मेट्रो स्टेशन के पास में लगाते हैं, 2 से 2 बजे की टाइमिंग है, 2 बजे के बाद में ये आपको मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम जा ही रहे थे तो ये हमें मिल गए, तो मेरा दिल कर कि मैं भेलपुरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। नॉन वेज फूड नहीं है, वेज ही फूड हमें मिला है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, और सब्सक्राइब लाजमी करना।